नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 48। आज हम गिरते हुए शिक्षा के स्तर पर और नैतिक मूल्यों में गिरावट के मुद्दों पर बात करेंगे। पेश है ये खास रिपोर्ट। शिक्षा के स्तर को कैसे सुधारा जाए और नैतिक मूल्यों में गिरावट का जिम्मेदार कौन के मुद्दे पर स्कूल व शिक्षा विदों से आइए दिखाते की गई बातचीत। मैं श्याम सिंह रावत, इंचार्ज पटवाल पब्लिक स्कूल तिलपत फरीदाबाद। सर, शिक्षा के सत्र को सुधारने के लिए पूरे समाज, पेरेंट्स, टीचर्स, सब लोगों को मिल के प्रयास करना पड़ेगा। सर, इसमें सारे लोग इंक्लूड है, क्योंकि हमारे पास जो बच्चा पढ़ता है वो केवल 5 घंटे रहता है। 5 घंटे उसकी जिम्मेदारी हमारी होती है। 5 घंटे के बाद बच्चा समाज के साथ भी रहता है, प्लस पेरेंट्स के साथ भी रहता है। पेरेंट्स की भी इसमें हमारे के बराबर जिम्मेदारी होनी चाहिए। जितनी हमारी जिम्मेदारी है उतनी पेरेंट्स को भी जिम्मेदारी। कई बार होता क्या है कि हम लोग बच्चों को यहाँ पे समझाते हैं कि बेटे ये काम गलत है, लेकिन वो जिस समाज के बीच में रहता है वहाँ पे ऐसी अवेयरनेस नहीं होती है। और इसके लिए हम लोगों को एक स्कूल के अंदर पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना चाहिए। वो हमने अपने स्कूल में स्टार्ट किया है। हम हर महीने के 31 तारीख को, तो लास्ट वर्किंग डे होता है, उस दिन हम यहाँ सारे पेरेंट्स को बुलाते हैं और पूरे महीने की रिपोर्टिंग, बच्चे की एक्टिविटीज, सारी चीज़ें उनको, उन शिक्षकों को पाठ्यक्रम में होना चाहिए। ये मेरे हिसाब से आफ्टर 10th और 12th के बाद छात्र जीवन में दिनचर्या होनी चाहिए कि छात्र सुबह मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग उठे, सबसे पहले अपना होमवर्क, उसका एक रूटीन वर्क होना चाहिए। अगर स्कूल आता है तो सुबह कितने 5 बजे उठे, अपने बुक्स पढ़े, उसके बाद अपना तैयार हो, उसके बाद स्कूल में जाए, उसके बाद एक रूटीन वर्क शाम को जाए, 2 घंटा आराम करे, फिर खेले, 1 घंटे का उसका टाइम पीरियड होना चाहिए, उसके बाद वो फिर अपना वर्क करे, ट्यूशन जाए, और फिर 9 या 10 बजे तक बच्चे को सो जाना चाहिए। खबरों में इतना ही। देखते रहिए न्यूज 48।